हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा आज फिर आपके सामने एक नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आज हम बताएंगे, कई बार ऐसा होता है कि किसी ने मेरी कंपनी बना दी है, या किसी का मेरे पास डेटा आ गया है, या मेरे से गलती से ये कंपनी का दोबारा कॉपी हो गया है, तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मेरे पास यहाँ टैली की बहुत सारी लिस्ट आ जाती है, या पुरानी मैंने कंपनी का किसी का बैकअप चेक किया था और वो मेरे पास भरी रहती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास बहुत सारी कंपनियां इकट्ठी हो गई। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनमें से कुछ कंपनियों को डिलीट मार दूं जो मेरे काम की नहीं है। तो वैसे तो आप बहुत सिंपल स्टेप है, आप डेटा के अंदर जाइए और डेटा की पाथ चेक कीजिए, डेटा कहाँ पे है, और डेटा की पाथ चेक करके आप वहां पे जाइए और वहां जाके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कई बार वहां गलती ये हो जाती है कि मैंने यहाँ चेक किया तो यहाँ पे मुझे ये कंपनी दिखा रहा था 0003, और गलती से मैंने 1 सोच के इसको 1,03,000 को डिलीट कर दिया, तो वहां पे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट इस कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैंने अभी अपनी कंपनी के दो पार्ट्स बना लिए हैं, ठीक है, तो इसको आप चाहें तो अपना पेन ड्राइव में कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ से हटाना चाहें तो। मैं अब इस कंपनी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट करने के लिए मैं कंपनी पे गया, अल्टर पे गया, और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और ऑल्ट के साथ डी दबाऊंगा तो ये मेरी कंपनी डिलीट हो जाएगी। ओके, तो अब मेरे पास ये सिर्फ दो कंपनी दिखा रहा है। इनको भी मैं फाइनेंशियल ईयर या नाम चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसके लिए बस आपको बहुत सिंपल स्टेप है, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, कंपनी में गए, टाइटल में गए, यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे ये 1 अप्रैल 2019 है। मैं चाहता हूँ इसका मेरा फाइनेंशियल ईयर वाला टाइम आ जाए, तो मैं चाहता हूँ इसको ऐसे लिख और 20, ओके, जिससे मुझे याद रहे ये मेरे कौन से वाले फाइनेंशियल ईयर के। अब बिल पे ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, अगर बिल पे 19-20 प्रिंट होगा तो बहुत अजीब लगता है, कभी 20-21 प्रिंट होगा वो भी अजीब लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर कंपनी नेम में 19-20 करना है, ऑल मेलिंग नेम से ये चीज हटा देनी है और इसको एंटर 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 करना है, जिससे कि आप बहुत सिंपल तरीके से इसको कंपनी का फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर दिया है, और जब आप बिल निकालेंगे तो उसमें आपका ये सिंपल स्टेप है ये आएगा। ओके, अब